हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लिटिल गार्डन। आज हम देखेंगे कि हम क्ले में से ऐसे बटरफ्लाइज और बी कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ये कुछ बटरफ्लाइज और बीज मेरे पॉट पे रखने के लिए बनाई हुई है। तो मैं इसे इस टाइप की स्टिक में मतलब डाल के अपने पॉट पे सजा सकती हूँ। तो ये बहुत ही कम प्राइस में मैंने बनाई है घर पे। तो ये कैसे बनाई है उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास कुछ क्लेस है, ये क्ले मैंने घर पे ही बनाया है फ्रेंड्स, और इसमें मैंने ये कलर डाल के इस टाइप के थोड़े थोड़े बना लिए हैं। तो मैंने ये क्ले कैसे बनाया है उसका भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो आज हम देखेंगे कैसी बटरफ्लाइज और बी कैसे बनती है। तो इसके लिए मैं ये बड़ा राउंड और एक छोटा राउंड लूँगी और इसे इस टाइप की बीज जैसा शेप दूँगी। इस टाइप का मैं इसे शेप दूँगी, थोड़ा आगे से थोड़ा पॉइंट वाला। और ये मेरा जो क्ले है उसको मैं राउंड ही रखूँगी। अब मैं इसे ग्लू लगा के इस टाइप की जो टूथपिक आती है उसको मैंने बीच में से कट कर दिया है, और इस टाइप से मैं उसे ज्वाइन करूँगी। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स, तो मैं इसे कट कर लूँगी। इस टाइप का मैंने इसे शेप दिया है। ये मेरा क्ले थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि इसके साथ मैं ब्लैक भी यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे हाथ पे लगा था तो इस पर चिपक गया है। तो वो कोई बात नहीं, हम बाद में हो जाए फिर इस पर हम कलर लगा देंगे। इस टाइप का शेप बना है और इसमें एक छोटा सा मैं होल भी रखूँगी ताकि मैं इसमें स्टिक डाल के मेरे पॉट पे लगा पाऊँ। आप इस टाइप का होल इसमें इस टाइप कोई भी पॉइंटेड चीज़ से बना सकते हैं। तो ये ब्लैक क्ले है, उसका मैं इस टाइप से उसकी बॉडी बनाऊंगी, जो उसकी बॉडी पे जो स्ट्रोक होते हैं। तो इस टाइप की उसकी बॉडी पे भी मैं इस टाइप से ग्लू लगा के फ्रेंड्स, ये बहुत इजी बनता है। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने गार्डन को सजाइएगा। इसमें कोई मेहनत नहीं है और कोई भी पैसे नहीं लगते ज़्यादा। मैं बाहर जो हमारे क्ले मिलते हैं ऑनलाइन या शॉप में से हम परचेस करते हैं, वो 200 का 250 ग्राम्स हमें मिलता है। पर ये जो क्ले मैं घर पे बनाती हूँ, मैं 100 रुपीज़ में बनाती हूँ, और ये 100 रुपीज़ में मुझे 1 kg मिलता है, ताकि बहुत ही हमें सस्ती प्राइस में मतलब कम प्राइस में ये पड़ता है। तो मैं आपको उसका भी वीडियो शेयर करूँगी कि ये क्ले मैंने कैसे बनाया। और ये इसकी छोटी छोटी डो आइस, हनी बीज या बटरफ्लाई की आइस थोड़ी बड़ी रखे तो वो अच्छा दिखेगा, क्योंकि उसकी आइस बड़ी होती है और पास में होती है। और ये ऑरेंज कलर से मैं इसका मुंह बनाऊंगी। तो इसका इस टाइप से फिश बनाऊंगी। जैसा भी बने फ्रेंड्स अच्छा ही दिखेगा। तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा ही बनना चाहिए। आपका मुंह टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो जाए, हमारी बटरफ्लाई तो फ्लाई करने ही वाली है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस टाइप का जो गियर वायर आता है, मेरे पास इस टाइप का वायर था, तो मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा ये कट करके इसका एंटीना बनाया है इस टाइप से। इस टाइप के वायर आपके पास हो और आपको एंटीना बनाओगे तो ये बहुत सुंदर दिखेगा फ्रेंड्स। बाहर की आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, वो मेरा छोटू सा बच्चा है जो मुझे वीडियो नहीं लेने देता।
फ्रेंड्स मैं इसकी जो विंग्स होती है वो मैं बनाऊंगी ये पिंक कलर वाले क्ले से, तो वो भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। को राउंड राउंड करके मैं इस टाइप का शेप दूंगी और ऐसे दबा दूंगी ताकि ये अच्छे से शेप में आ जाए। इस टाइप की हम दो बड़ी और दो छोटी विंग्स बनाएंगे इसकी। अभी ये विंग्स मैंने बना दी है चार, तो मैं इस टाइप से इसे रखूंगी और इस टाइप से थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर हम स्टिक कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए। इस टाइप से सेट हो जाए और ये बीज है इसके पीछे भी हम ऐसे ग्लू लगा के इस टाइप से मैं इसे स्टिक कर दूंगी। तो फ्रेंड्स से मेरी बी जो है वो फ्लाई करने के लिए रेडी हो गई है। तो आपकी इस टाइप की बीज रेडी होगी, इसे आपको सूखने देना है एक घंटे या दो घंटे, आप मतलब पूरी नाइट रखोगे तो अच्छा रहेगा। ये मेरा सूख के रेडी वाला बटरफ्लाइज और बीज है, और ये जो थोड़ा मेरे पास क्ले ज़्यादा था तो मैंने इस टाइप की उसे यूज़ कर दिया, मतलब इस टाइप की बीज बना दी है। इस टाइप से है ये, इसमें भी मैंने छोटू सा हॉल रखा हुआ है और ये इसकी विंग्स जो आइज। तो आप इस टाइप से अपने कोई भी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें क्ले में से बना सकते हो। फ्रेंड्स मैं पहले भी बोला कि क्ले मुझे बहुत ही कम प्राइस में घर में मतलब मैंने बनाया है, इसलिए मुझे बहुत ही कम प्राइस में पड़ा है। तो मैं आपके साथ इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि ये मैं कैसे बनाती हूँ, और एक मैं नया वीडियो भी लेके आने वाली हूँ। मैंने क्ले में से कुछ बर्ड्स बनाए हुए हैं तो उसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।